सांकेतिक हड़ताल कर सरकार को चेतावनी दे चुकी नर्सिंग स्टाफ ने सोमवार से कामकाज ठप कर बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। जिले भर के नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर चले जाने से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। नर्सिंग अफसर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश व्यापी आह्वान पर सतना के नर्सिंग स्टाफ ने भी बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। कामकाज ठप कर नर्सिंग स्टाफ अपनी 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में जिला अस्पताल परिसर में लगे तंबू के नीचे नारेबाजी करने जा पहुंचा है। नर्सिंग स्टाफ के काम बंद करने के बाद हालांकि अभी संविदा कर्मी और रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन बताया जाता है कि 2 दिन बाद रोगी कल्याण समिति से संबद्ध स्टाफ भी आंदोलन की राह पर चलने वाला है। नर्सिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मास्टर सतना से नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा पूर्व में कई वर्षों से ज्ञापन देकर प्रत्यक्ष चर्चा कर मांगों के निराकरण संबंध में निरंतर शासन विभागों से अनुरोध किया जा रहा था कि प्रदेश के नर्सिंग संवर्ग की मांगों का निराकरण किया जावे, परंतु मांगों का निराकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया, जिससे प्रदेश में नर्सिंग संवर्ग में असंतोष व्याप्त है। आज दिनांक पूरा मत पढ़िए, अब आप शॉर्ट कट में बता दीजिए। नर्सिंग संवर्ग का वेतन संबंधन घूर किया, बस मेन जो मुद्दा है उस पर चलिए। हमारे 10 सूत्री मांगे हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार से हैं। पहला है ग्रेड, अभी तक हमें थर्ड ग्रेड में रखा गया है, हमारी मांग है कि सेकंड ग्रेड में किया जाए। दूसरा है ग्रेड पे, अभी तक ग्रेड पे 2800 रुपये, 3600 रुपये, 4200 रुपये क्रमशः दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि नर्सिंग अफसर का ग्रेड पे 4200 रुपये। मैं बता दीजिए, आप सीधे सीधे सामने देखिए। हम लोग शासन को पत्राचार द्वारा एवं ज्ञापन के द्वारा लगातार शासन क्या हो लगातार शासन को आग्रह करते जा रहे हैं। हम लोगों का जो सेकंड ग्रेड है, वेतन मान का संगतियाँ है नर्सिंग की, उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग संगतियाँ सेकंड ग्रेड में हम लोग को पदनाम तो दे दिया है, लेकिन वेतन मान नहीं दिया हम लोग सेकंड ग्रेड का। और हमारा जो स्टूडेंट स्टाइपेंड है 3000 से 8000 दिया जाए। हाँ, और जो हमारा जो मांगे हैं, जिसमें से हम लोग को जो 100% जो है वो नहीं दे रहे हैं, 70-80% के हिसाब से सैलरी मिल रही है, जो कि वो पूरा किया जाए। हाँ, और जो पुरानी पेंशन है उसको लागू की जाए। हाँ, ये चीज़ें हैं जो हमारी और भी 10 जिले ने मांगे हैं, जो कि पूरा किया जाए।